हाय दोस्तों, न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज आपको बताएंगे, एक एक्सटेंशन बोर्ड है। तो ये रेडीमेड नहीं है, ये हम खुद बनाए हैं। 8-10 का बोर्ड है, तो इसका अपना अनुसार एम्पियर का अनुसार हम बनाए। तो ये 16 एम्पियर का देख रहे हैं, ये सब 6 एम्पियर का है, ठीक है। 4 6 एम्पियर का है और 1 16 एम्पियर का हम बनाए अपना अनुसार, लोड का अनुसार। काहे कि मार्केट में लेने जाइएगा रेडीमेड तो वो 6 एम्पियर का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 6 एम्पियर का नहीं, अपना अनुसार बनाए में जो लोड देंगे वही अनुसार मिलेगा। तो मेरा हाथ में देखिए, ये आपका 4 हम ये इस तरह करके तारों छील दिए हैं, 4 और 1 ये आपका 2.5 mm का तार दिया हुआ है जो 16 एम्पियर में लगेगा, ठीक है। तो कुछ तार हम इस तरह करके छील के रखे हुए हैं, तो इसका किस तरह काम होता है आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो आपको कनेक्शन बताते हैं कि किस तरह इसका कनेक्शन किया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 6 एम्पियर देख रहे हैं और जो बड़ा वाला देख रहे हैं वो 16 एम्पियर का। तो सबसे पहले हम 6 एम्पियर का कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो दो इसका स्विच में हम इस तरह करके, ये लाइन का है रेड आपका, इसमें लाइन जाएगा स्विच में। तो इस तरह करके हम कनेक्शन कर लिए हैं और इसको टाइट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, 2 पॉइंट इसमें हो गया कनेक्शन, और ऊपर में जो दो स्विच है इसी तरह करके उसमें भी कनेक्शन कर देंगे। तो ये हो गया ये स्विच का। अब इसको अभी हम लूप निकालेंगे, लूप निकाल के हम 16 एम्पियर में डालेंगे, 16 एम्पियर का स्विच में डालेंगे। तो देखिए किस तरह आराम से, कोई भी आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा, आराम से आप इसमें सीख सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा भारी नहीं है और आराम से आप कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हम कनेक्शन करें उसी तरह करिए। और जो सॉकेट वाला है 6 एम्पियर का जो सॉकेट है, ये न्यूट्रल जा रहा है काला, तो एन लिखा होगा, एन सॉकेट में एन लिखा होगा, तो उसमें आप डालिएगा न्यूट्रल। तो इसी तरह करके जो 4 आपका सॉकेट दिखाया जा रहा है 6 एम्पियर का, उसी तरह न्यूट्रल हम कनेक्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह करके कनेक्ट करेंगे, तार जोड़ते जाएंगे। तो इसीलिए हम इसको तारों काट काट के हम इस तरह करके छील के रखे हुए थे, ताकि इस समय आपका काम पड़ेगा। तो चलिए तीसरा हो गया, ये चौथा वाला है, चौथा में भी न्यूट्रल लगा दे रहे हैं। और इसको हम 16 एम्पियर सॉकेट में डाल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, न्यूट्रल का काम खत्म हो गया। अब चलिए इसका हम जो स्विच काम करेगा, ऑन ऑफ करेगा, तो इस तरह करके इसको भी कनेक्शन कर दे रहे हैं हम। तो देखिए हम किस तरह कर रहे हैं, एक स्विच में डाल रहे हैं और एक सॉकेट में डाल दे रहे हैं। ये देखिए इसी में ये लाइन जाएगा, जो ऑन ऑफ कीजिएगा ये काम करेगा स्विच से। तो इस तरह करके हमको कनेक्शन करना है। तो देखिए इसी तरह कनेक्शन सब स्विच में कर देना है, 4 6 एम्पियर का और 1 16 एम्पियर का, इसी तरह करके कनेक्शन कर देना, ठीक है। लेकिन इसका गेज आपका अलग अलग डालना पड़ेगा। आपका है ये आपका 6 एम्पियर का जो है, उसमें आप 1.5 mm का भी डाल सकते हैं या 1 mm का डाल सकते हैं। तो हम 1.5 mm का डाल रहे हैं, और प्लस इसका जो 16 एम्पियर का है वो हम 2.5 mm का वायर डाल रहे हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोड रहेगा, मतलब उसमें होल्डिंग मशीन पंप वम्प चलेगा, इसीलिए उसमें हम मोटा वाला डाल रहे हैं कि उसमें गले ना ताटो, इसीलिए। और इस समय हम 1.5 mm का डाल रहे हैं। तो चलिए इसका सॉकेट का कनेक्शन इस तरह करके कर देना है। तो चलिए 6 एम्पियर का ये वाला पूरा कनेक्शन हो चुका है। तो ये देखिए अब ये 16 का भी हमको इसी तरह करके कनेक्शन कर देना है। तो हम बोले इसमें 2.5 mm का वायर डालेंगे, कहे तो हम मोटा डालना पड़ेगा, तो इसलिए इसको भी हम तार तो छील लिए हैं और इसको भी आराम से डाल देंगे। एक स्विच में डालेंगे और दूसरा सॉकेट में डालेंगे, और सॉकेट में उसी में डालेंगे जो एल लिखा होगा, मतलब लाइन होगा जो एल लिखा होगा उसी में डालेंगे। तो चलिए ये भी हो गया है। अब इसका हम मेन लाइन आपको दिखा देंगे कि यहाँ पर जोड़ के इसको डालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर यहाँ एक तो लाइन डालेंगे, यहाँ मेन लाइन और वहाँ न्यूट्रल है, उसमें न्यूट्रल डालेंगे। तो आपको दिखा भी दे रहे हैं आपको,
तो ये देखिए हम इसको जोड़ दिए हैं, ये देखिए मिल रहा है, ये भी हम 2.5 mm का वायर दिए हैं, ये देखिए न्यूट्रल ये जा रहा है, ये पूरा न्यूट्रल जा रहा है, ये देखिए इस तरह करके न्यूट्रल, ये फेस, ये देखिए फेस भी इस तरह करके देखिए इसमें डालें, इस तरह करके फेस सब में जा रहा है और सब में स्विच ऑन ऑन ऑफ सब में होगा, ठीक है, ये देखिए इस तरह करके जाएगा। तो चलिए हाय ऑफ, वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद एंड वंदे मातरम।